हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो पिछले वीडियो मैंने कहा था कि यदि आप पपीते के पौधे आपने लगाया है और वह पपीते का पौधा आगे चलकर उसमें फुलार हो जाए, यानी कि उसमें फूल अच्छे तरीके से नहीं आए, ब्रांचेज में फूल आए, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यदि ऐसा आए तो मैंने कहा था कि इस तरह के फूल में फल नहीं लगते हैं। और अब इसका उपाय क्या होगा, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपका आपका पपीता का पौधे पपीते के पौधे में इस तरह से फूल आए, फुलार हो जाए, तो ऐसे पपीते के पौधे में भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक यूज करना है, सिंपल सा काम करना है। आपको करना क्या है कि जब ये पौधा बड़ा हो जाए, पपीते का पौधा, उसमें आप देखें इस तरह का फूल आ गया है, तो आप नीचे से पपीते के जहां तना से, पपीते जहां से आपका स्टार्टिंग है, वहां से लगभग दो फीट ढाई फीट के ऊपर से उस पेड़ को आप काट दें। काटने के बाद जब उसमें पुनः नई ब्रांचेस आएंगे, नई डाली आएगी, वह जो बड़ा होगा उसमें आपको 80% चांसेस है कि उसमें जो फूल आएगा वह अच्छे फूल आएंगे, फुलार फूल नहीं होगा, और उसमें फल आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह तरीका जो है आजमाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अभी इस तरीके को आजमाए और न फलने वाले पपीते के पौधे में भी आप अच्छा फल प्राप्त करें। तो इस तरह के नए नए तरीकों को देखने के लिए, जानने के लिए, पौधों से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।